टूडे वी विल गोइंग टू स्टडी न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट सो वी विल स्टार्ट चैप्टर फाइव एडजेक्टिव ठीक है एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल अबाउट एडजेक्टिव क्या होते हैं एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ठीक है थीके? उनको डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव और आल्सो कॉल डिस्क्राइबिंग वर्ड ठीक है बबली इज अ गुड कर जैसे यहाँ पे बबली है लड़की वो कैसी good है गुड है ठीक है तो ये जो गुड है ब्यूटीफुल स्लिम ये सब एडजेक्टिव हो गए वो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल वे ब्यूटीफुल गर्ल है वह स्लिम है इंटेलिजेंट है तो ये हो गए आपके एडजेक्टिव ठीक है हर शूज़ आर रेड उसके शूज रेड हैं दिस इज़ अ हॉर्स ये हॉर्स है उसके हेयर लॉन्ग है वह स्ट्रॉन्ग बॉडी का है ठीक है दिस इज़ अ ब्लैक कैट तो ये जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं जैसे द वर्ल्ड गुड ब्यूटीफुल स्लिम इंटेलिजेंट रेड डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं गर्ल को ठीक है एंड लॉन्ग स्ट्रोंग ये किसको कर रहे हैं लॉन्ग एंड स्ट्रोंग हॉर्स को एंड जो ब्लैक है वो कैट है ठीक एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउंस नाउन और प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब करते हैं जो एक्टिव एडजेक्टिव होते हैं ठीक है जनरली एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर नाउन जैसे अस स्टीप हिल्स ठीक है स्टीप हिल्स मतलब कोई पहाड़ मतलब क्या होता है पहाड़ी जैसे खड़ी पहाड़ी मतलब क्या होता है खड़ी पहाड़ी है तो पहाड़ी को वो डिस्क्राइब करें कैसी पहाड़ी खड़ी है स्मॉल एनिमल है एनिमल कैसा है स्मॉल है स्वीट एप्पल एप्पल कैसा है स्वीट है येलो शर्ट लॉन्ग पेंसिल तो ये जो आपके हैं लॉन्ग ब्यूटीफुलिश ओल्ड येलो स्वीट स्मॉल स्टीप ये हो गए आपके एडजेक्टिव्स और ये हो गए आपके जो पेंसिल वुमेन बॉय मैन ये क्या हो गए नाउन ठीक है तो नाउन के पहले यूज होते हैं बिफोर ये लिखा है ना यूज बिफोर नाउन नाउन्स के पहले यूज होते हैं एडजेक्टिव ठीक है नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो एडजेक्टिव आफ्टर द नाउंस एज फॉलो जैसे अ स्ट्रॉन्ग मैन तो द मैन इज स्ट्रोंग यहाँ पे जो मैन हो गया वो क्या हो गया आपके ये सब नाउंस हो गए और मैन कैसा है स्ट्रांग है तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे द मैन इज स्ट्रांग ठीक है अ स्मॉल बॉक्स द बॉक्स इज स्मॉल बॉक्स छोटा है अ न्यू कार, तो कार न्यू ठीक है यहाँ पे कुछ आपकी एक्सरसाइज दी हुई हैं अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस राइट दैम इन द प्रोवाइडेड स्पेस यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आपको एडजेक्टिव के नीचे अंडरलाइन करना है और उस वर्ड को यहाँ पे लिखना है जैसे द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल ठीक है तो ताजमहल क्या है बहुत सुंदर तो वेरी ब्यूटीफुल क्या हो गया वो ताजमहल को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या हो गया आपका एडजेक्टिव तो हमने यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल लिख दिया ठीक है द गंगा इज अ लॉन्ग रिवर तो लॉन्ग क्या हो गई रिवर तो यहाँ पे हमने लॉन्ग कर दिया अलीसा इज अ नॉटिक गर्ल ठीक है तो हमको एडजेक्टिव लिखना है तो गर्ल कैसी है नॉटी ठीक है ऐसे आपको ये एक्सरसाइज करनी है द चिल्ड्रन वेयर फैंसी ड्रेस तो फैंसी आपका एडजेक्टिव हो गया ठीक है नेक्स्ट इस प्रकार ये है अंडरलाइन द एडजेक्टिव यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें आपको एडजेक्टिव जो वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करना दीज आर नोटी किटन्स ठीक है किटन्स देयर इज अड एप्पल ये सब क्या है नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव होंगे और इन्हीं के नीचे हमको अंडरलाइन करना है ओके नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे फिर इन द्लैंक है आपको सही वर्ड्स एड्जेक्टिव चूज करके यहाँ पे लिखना है ठीक है जैसे सन कैसा होता है ब्राइट आइसक्रीम कैसी होती है कोल्ड मैंगो स्वीट होता है बॉय स्मार्ट पेंसिल लॉन्ग टी हॉट ग्रास ग्रीन लेमन येलो रॉक हार्ड ठीक है और एप्पल रेड ठीक ये आपको करना है यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है आपको क्या करना है कि एडजेक्टिव्स ढूँढने यहाँ पे और उसमें एक बॉक्स बनाने जैसे बिग बिग मतलब बड़ा ये एडजेक्टिव हो गया ठीक है ये क्या है हैप्पी ठीक है हॉट फैट ओल्ड सेंग कोल्ड ठीक है स्मॉल ड्राई ये इतने मुझे मिले आपको अगर और मिलते हैं तो आप उसमें ऐसा बॉक्स बनाएंगे ठीक है फिर ये एक्सरसाइज आ गई अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आपको एडजेक्टिव पर अंडरलाइन करनी जैसे नाइन कितने बुक्स हैं नाइन हैं बनाना कितने सिक्स हैं लेक कितने सिक्स हैं ठीक है इसी प्रकार ये व्हील कितने फोर हैं तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को तो यहाँ पे हम ऐसा टिक करेंगे ये आपका मैचिंग आता है मैच द एडजेक्टिव टू द नाउन एडजेक्टिव दिए हुए हैं ये नाउन है तो आपको प्रॉपर मैच करना जैसे ओल्ड क्या होते हैं बुक स्मॉल एनिमल स्वीट डॉल प्रिटी क्लॉथ डर्टी स्मेल फ्रेश वेजिटेबल्स क्लेबर मैन ठीक है स्ट्रॉन्ग बॉडी तो ये आपको मैच करना है आपकी ये चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई बहुत सिंपल है आप लोग इसको रीड करिए समझिए ठीक है जैसे मैंने पढ़ाया है फिर हम नेक्स्ट में वर्क पढ़ेंगे ठीक है